देश का सबसे बड़ा हाईवे जो 12 घंटे में आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगा। दिल्ली मुंबई को हर कोई नजदीक से देखना चाहता है, लेकिन कई बार लंबा सफर होने की वजह से हम 24 घंटे का लंबा सफर करने की नहीं सोच पाते हैं, जो थका देने वाला भी होता है। और इसी वजह से लोग ना दिल्ली से मुंबई कार में जा सकते हैं और ना ही मुंबई से दिल्ली आ सकते हैं। लोगों को सहूलियत देने के लिए एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो देश का सबसे बड़ा हाईवे कहा जा रहा है, जिसका पहला रूट 228 किलोमीटर का है, उसे खोला गया है। दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए मुंबई पहुंचना अब हवाई जहाज से भी आसान होगा, क्योंकि इसमें आप कम खर्चा होगा और मजा आपको हवाई जहाज से भी ज्यादा आएगा। ये हाईवे कुल 1380 किलोमीटर का है, जो बहुत शानदार कंक्रीट और क्वालिटी डामर के जरिए बनाया जा रहा है। यहाँ से आप अपनी कार या फिर टैक्सी से भी सफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी इलेक्ट्रिक बस का सफर करेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये आपके बजट में होगा। इलेक्ट्रिक बस है तो किराया भी कम होगा, वहीं सुविधाओं की तो आप पूछिए ही मत। इसमें आपको बहुत ही अच्छी सुविधाएं, जिनमें खाना, रहना, खेलना, बैंक, सुरक्षा और हॉस्पिटल जैसी सभी जरूरत की चीजें आपको इस एक्सप्रेसवे पे मिलेंगी। इलेक्ट्रिक बस इस रूट पर 2 राउंड लगाएगी और इस बस में वो सारी सुविधाएं आपको दिखाई देंगी जो आपको एक हवाई जहाज में देखने को मिलती हैं। इसके अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी आधुनिक सुविधाएं इसके अंदर हैं। ये नॉर्मल वॉल्वो बस से थोड़ा हटकर है। इसमें अगर ड्राइवर को झपकी आती है तो इस बस में कुछ ऐसे ऑटो सेंसर लगे हुए हैं जो ड्राइवर को अलर्ट करेंगे। उसके साथ ही अगर गाड़ी एक तरफ को चलती है तो ये ड्राइवर को अलर्ट करके गाड़ी को धीरे धीरे रोक देती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी को 228 किलोमीटर के पहले फेज का उद्घाटन किया, जो दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक जाएगा। इस 228 किलोमीटर का किराया भी काफी कम होगा। अगर आप इस इलेक्ट्रिक वॉल्वो का सफर करते हैं तो उसका किराया मुंबई तक भी काफी कम होगा, और उसके साथ ही अलग अलग चार्जिंग स्टेशन या फिर रेस्टोरेंट या फूड कोर्ट की तरफ रुकेंगे तो आप वहां पर काफी चीजों का आनंद भी ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस हाईवे पर जो स्पीड होगी वो 120 की स्पीड प्राइवेट गाड़ियों की होगी, लेकिन अगर आप टैक्सी से जाएंगे या कमर्शियल वाहनों से तो उनकी स्पीड 80 से ऊपर नहीं जाएगी। जब दिल्ली से मुंबई की तरफ जाएंगे तो 70 किलोमीटर दूरी पर आपको पहला टोल दिखाई देगा, और इस टोल प्लाजा की खासियत ये है कि आपका टोल टैक्स उतना ही कटेगा जितना किलोमीटर आप इस टोल प्लाजा से आगे को जाएंगे। पहले अगर आपको 20 किलोमीटर भी जाना होता था तो टोल आपको पूरा देना होता था, लेकिन आप इस हाईवे पर आपको टोल उसी हिसाब से लगेगा जितने किलोमीटर आप चलेंगे, और ये टोल टैक्स सेंसर के जरिए कटेगा। ये सेंसर दूर से ही आपकी कार पर लगे फास्ट टैग को मॉनिटर करेंगे, जिससे आपको टोल पर रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही अगर आपकी स्पीड ज्यादा तेज रही तो उसका चलान वहां पर लगे हुए कैमरों में खुद ब खुद आ जाएगा और आपके फोन पर चलान का मैसेज आ जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे पर जानवर ना आए, इसके लिए फेंसिंग भी दोनों तरफ से लगाई जाएगी, ताकि कोई रफ्तार से जा रहा वाहन किसी जानवर से ना टकराए। तो दोस्तों, देश के इस एक्सप्रेसवे
को मुंबई तक बनने में साल 2024 का इंतजार करना होगा। लेकिन शुरुआत में आप इस एक्सप्रेस वे का मजा लेने के लिए दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक जा सकते हैं। हाईवे पर जब आप दिल्ली से मुंबई की तरफ रवाना होंगे तो आपको 1380 किलोमीटर के इस पूरे सफर में कई राज्यों की संस्कृति देखने को मिलेगी, तो वहीं हरी भरी अरावली की पहाड़ियां और दूसरे राज्यों की झलक वॉल्वो बस में बैठे बैठे ही मिल जाएगी। साथ ही इस बस के अंदर आपको समय समय पर सीट के आगे स्क्रीन पर फूड रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रिजॉर्ट समेत कई ऐसी चीजों की जानकारी उपलब्ध होगी जो आपके लिए आसान होगी। तो इस खूबसूरत एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए अब आप तैयार रहिए। जब आप महज 2 घंटे में दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक पहुंच सकते हैं तो ये सोचिए कि जब आप मुंबई तक का ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो आप अपने परिवार के साथ सुबह निकलकर शाम तक मुंबई पहुँच सकते हैं।